नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एग्जाम फाइटर्स में। या दोस्तों, आज की ब्रेकिंग न्यूज़ लेके मैं आ गया हूँ आपके सामने, टीम फाइटर आपके सामने JPSC से संबंधित ब्रेकिंग न्यूज़ लेके आ गई। आपको मालूम था कि आज मैंने सुबह ही 6 बजे अपने पेज पर अपडेट किया था कि JPSC से संबंधित 2 गुड न्यूज़ है आपके आपके लिए हमारे पास, और दोनों गुड न्यूज़ मैं आपके सामने लेके आया हूँ। तो जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपको सबसे पहले झारखंड की कोई भी ऑथेंटिक जानकारी, सीटों की संख्या या एग्जाम से संबंधित जो भी कंटेंट हो, आपको हमारे YouTube चैनल पे ही प्रोवाइड कराया जाता है, आपको पता है। ठीक है, तो ज़्यादा मैं विलंब ना करते हुए मैं आपको ब्रेकिंग न्यूज़ बता ही देता हूँ। सबसे पहले तो JPSC का वैकेंसी, और JPSC का वैकेंसी कब आएगा, इससे रिलेटेड सारा न्यूज़ जो है आपको हमारे वीडियो में बताया जाएगा। लेकिन उससे पहले आप एक काम और करिएगा, जो हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप उस ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम ग्रुप को एग्ज़ाम फाइटर्स के नाम से ही है। उसमें पर डे JPSC के क्वेश्चंस, JSSC के सारे एग्ज़ाम्स के क्वेश्चन, जो झारखंड के बेहतरीन प्रश्न है, उसका जो है आपको अभ्यास पर डे कराया जा रहा है। तो आप वहाँ ज्वाइन करके क्विज का हिस्सा बन सकते हैं। साथ ही साथ हमारा पेज और ग्रुप का लिंक भी नीचे दिया हुआ है, आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात कि JPSC की सीटों की संख्या क्या है, तो मैं आपको बता दूं, JPSC की सीटों की संख्या जो अभी ये टेंटेटिव है, लेकिन फिर मैं आपको जो मेन सीटें आपको बता दे रहा हूं, ठीक है, जो कि वैकेंसीज में आने वाली हैं, लेकिन आगे सीटों की संख्या बढ़ेंगी। सीटों की संख्या प्रीलिम्स के डेट तक बढ़ेंगे, मैं आपको बता दे रहा हूं, और सीटों की संख्या अच्छी खासी बढ़ने की उम्मीद है। लेकिन आप अभी वैकेंसी कम देख के परेशान बिल्कुल मत होइएगा, हताश बिल्कुल मत होइएगा, सीटों की संख्या आगे बढ़ेगी। लेकिन जो प्रेजेंट में जो सीटों की संख्या है वो मैं आपको बता दे रहा हूं, ठीक है। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं DSP से, कि DSP का सीट कितना है। तो DSP का जो सीट है वो है 40, DSP का सीट 40 पदों की संख्या है DSP के लिए। और डिप्टी कलेक्टर की जो सीटों की संख्या है वो है 52, ठीक है। और जिला सहकारिता जो है अधिकारी, सहकारिता प्रसार अधिकारी जिसको बोलते हैं, उसके सीटों की संख्या है 65। फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। वीडियो के अंत में भी आपको कुछ बहुत ही बेहतरीन बताने जा रहा हूँ, बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियो है आपके लिए, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो जो JPSC के एस्पिरेंट हैं उनके लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है। तो आप पूरा वीडियो बिना स्किप किए अवश्य देखिएगा। सीटों की संख्या एक बार फिर से दोहरा दे रहा हूँ, DSP की सीटों की संख्या 40, डिप्टी कलर्क की सीटों की संख्या 52, और सहकारिता प्रसार जो अधिकारी है, सहकारिता अधिकारी, उसका 65। और साथ ही साथ कुल पदों की संख्या लगभग 250 के आसपास है अभी, ठीक है। लेकिन आप इतनी कम सीटों देख के जो है बिल्कुल हताश मत होइएगा, सीटों की संख्या आगे बढ़ने वाली है। प्रीलिम्स के एग्ज़ाम तक जो है सीटों की संख्या बढ़ेगी, डिपार्टमेंट से अधियाचना मंगाई गई हैं, अभी पूरी अधियाचना आई नहीं है, चूँकि JPSC जो है कटिबद्ध है एग्ज़ाम कराने को लेके, वैकेंसी निकालने को लेके, ठीक है। इस वजह से जो है ये सारा चीज़ जो है अभी फास्ट इन मोड में हो रहा है, इसलिए सीटों की संख्या एग्जैक्ट अभी JPSC के पास नहीं आई है। लेकिन जो प्रेजेंट सीट आ चुकी हैं उसका विवरण मैंने आपको दे दिया, और सीटों की संख्या जो है आगे बढ़ेगी ये निश्चित है। तो आप सीटों के देख के बिल्कुल परेशान मत होइएगा, अपनी तैयारी बस ज़बरदस्त रखिएगा, क्योंकि आपको एक सीट ही लेनी है, सिर्फ आपका एक सीट पर कब्जा होना चाहिए, ठीक है। तो ये तो हुआ सीटों की संख्या, फिर से मैं बता दूँ, DSP 40, डिप्टी कलेक्टर 52, जिला सहकारिता अधिकारी 65, और टोटल पदों की संख्या 250 के आसपास है, ठीक है। तो अब दूसरी बात कि इसका विज्ञापन कब आएगा, तो मैं आपको बता दूं, विज्ञापन से संबंधित जानकारी भी आपको बता रहा हूं कि विज्ञापन कभी भी आ सकता है। फाइनली विज्ञापन पे जो है सारा प्रोसेस पे साइन हो चुका है, सबको जो फाइनल प्रक्रिया है वो पूरी हो चुकी है। विज्ञापन कभी भी आ सकता है, मतलब आज भी आ सकता है, कल भी आ सकता है, और एक हफ्ते के अंदर कभी भी आ सकता है। कुछ डिपार्टमेंट की परेशानियों की वजह से कभी कभी ऐसा होता है कि नहीं होता, जैसे कि JSSC में भी CGL का जो विज्ञापन अपलोड हो रहा था, मैंने आपको बताया था, तो 2-3 दिन विलंब हो गया था, जबकि वो उसी दिन आना था। तो कुछ टेक्निकल इश्यूज़ भी होते हैं, कुछ जो है फाइलों का प्रॉब्लम भी होता है, लेकिन पूरी तरह से प्रक्रिया तैयार है, आपका विज्ञापन कभी भी जारी हो सकता है, आज किसी भी समय, या हो सकता है 2-3-4 दिन के बाद भी, ठीक है। तो विज्ञापन से संबंधित आपको जानकारी मिल गई, कि आपके लिए गुड न्यूज़ है कि 7वीं 8वीं 9वीं JPSC की वैकेंसी फाइनली अब आ रही है। तो आप अपना जो साइलेंट मोड तोड़ के है अब वो पढ़ाई में लग जाइए, क्योंकि आपके लिए बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। और इसका टारगेट जो है दिसंबर रखा गया है, मैं आपको बता दे रहा हूँ कि दिसंबर तक पूरी प्रक्रिया करा लेने का टारगेट रखा गया है, ये भी मैं आपको बता दूँ। परीक्षा कब हो ये भी बिल्कुल एग्जैक्ट मैं आपको इसी यूट्यूब चैनल पर बताऊँगा। साथ ही साथ तैयारी से रिलेटेड, कि तैयारी आपको कैसे करनी है, सारी बुक का लिस्ट
एक एक बुक का लिस्ट कि आपको तैयारी कैसे करनी है, क्या पढ़ना है कि आपकी सफलता आपके जो है फाइनलाइज हो, मैं आपको इस यूट्यूब चैनल पर बताऊंगा। उसके साथ ही साथ मैं आपको एक बहुत ही गुड न्यूज़ देने जा रहा हूँ कि आप छात्रों के लिए जो जेपीएससी के एस्पिरेंट हैं उनके लिए भी हम एक बहुत ही बेहतरीन टेस्ट सीरीज़ का कलेक्शन लेके आ रहे हैं, बहुत ही बेहतरीन। जैसा कि सीजल में आप ही लोगों का प्यार था कि नंबर वन आप लोगों ने बनाया, 10,000 प्लस प्रैक्टिस सेट हमारा आप लोगों ने परचेस किया, लेकिन इस बार उससे भी बेहतरीन जेपीएससी के लिए, और ये मेरा दावा है, अगर बेहतरीन नहीं तो पैसे वापस, सबसे बेहतरीन टेस्ट सीरीज़ का कलेक्शन आपके सामने हमारी टीम बहुत जल्द लेके आ रही है, बहुत ही जल्द। बस वेट एंड वॉच, और वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म होगा जो आपको फुल्ली सेटिस्फाइड करेगा, आपको तैयारी का जो आपका पैमाना है आप पूरी तरह से जान सकते हैं कि आपकी तैयारी किस लेवल पे है। ज़्यादा मैं नहीं बताऊंगा, आने वाला समय बताएगा, क्योंकि हम बात कम काम ज़्यादा करते हैं और उसी पे हमारा फोकस भी है, और साइलेंट मोड में उसी पे काम भी चल रहा था। तो बहुत ही जल्द हम अपना टेस्ट सीरीज लेके आ रहे हैं, नंबर वन टेस्ट सीरीज, ये मेरा चैलेंज है, दावा है। आप लोग जेपीएससी की सीटों की संख्या मालूम चल गई, जेपीएससी का विज्ञापन कब होगा आएगा ये भी आपको मालूम चल गया, परीक्षा कब होगी ये मैं आपको आने वाले वीडियो में आपको बताऊंगा। तो हर अपडेट के लिए आप हमारे चैनल एग्ज़ाम फाइटर से ज़रूर जुड़े रहिएगा। आपको सबसे इन्फॉर्मेटिव आपको पता है कि सबसे पहले हमारे चैनल पे ही बताया जाता है, अपने दोस्तों के बीच में अगर अच्छा लगे तो शेयर कर दीजिएगा, हर ग्रुप व्हाट्सएप ग्रुप जितने भी छात्रों के बीच में है शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि आपका शेयर लाइक और सब्सक्राइब ही हमारा मेहनताना है, ठीक है। और भी कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियो होगा जेपीएससी से रिलेटेड तो आपको हमारे ही वीडियो पर मिलेगा, सबसे पहले हमारे चैनल पर, तो आप हमारे साथ बने रहिएगा। और अब आपका टाइम शुरू होता है विज्ञापन आने का, तो वेट एंड वॉच, दिल की धड़कनें थाम लीजिए, साथ ही साथ अपनी प्रिपरेशन की स्ट्रैटेजी बना लीजिए। बुक की स्ट्रैटेजी मैं आपको बताने वाला हूँ बहुत जल्द, ठीक है। मैं एक जेपीएससी का एस्पिरेंट तो नहीं हूँ, लेकिन इतना आइडिया ज़रूर है कि मैं आपको जो बताऊँगा बिल्कुल वैसा ही होगा। आपको उतने से ही पढ़ना है, ज़्यादा कुछ इधर उधर भागने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो एक्सपीरियंस सब कुछ बोलता है, बहुत सारे हमारे मित्र हैं जिनका एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है, ठीक है, भले वो एग्ज़ाम ना देते हों लेकिन एक्सपीरियंस लोगों के पास बहुत ज़्यादा होता है। आप छात्रों के पास भी, तमाम ऐसे दोस्त हैं जो इस वीडियो को देख रहे होंगे उनके साथ भी ऐसा होता होगा, तो आप निश्चिंत रहिए, प्रॉपर गाइडेंस आपको हमारे चैनल से मिलेगी टिल मेंस तक। और भी बहुत कुछ हमारे यूट्यूब चैनल पे आपके लिए होने वाला है, मैंने जैसा आपको बताया था, जस्ट वेट एंड वॉच। तो आज के लिए इतना ही, अच्छा लगे तो वीडियो शेयर कर दीजिएगा, टेलीग्राम ग्रुप का जो डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप जाके हमारे टेलीग्राम ग्रुप को जरूर लाइक कर लीजिएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ डेली आपको झारखंड के सबसे बेहतरीन प्रश्नों का कलेक्शन, जैसा कि आपको हमारे टेस्ट सीरीज में मिलता रहा था, आपको उससे भी बेहतरीन मिलने वाला है। तो आज के लिए इतना ही, जय हिंद जय भारत।